प्रदेश में आम लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चौकन्ना नजर आ रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने IEC मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की समस्याओं के निवारण के लिए मीडिया प्रतिनिधियों से टेबल टॉक कर तमाम परेशानियों का हल निकाला जा सके। जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य से जुड़े करीब 5 दर्जन सवाल सुझाव मिले हैं, वहीं इस कार्यक्रम में अलग अलग जनपदों से आए अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को मीडिया के सामने पेश किया। बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों से लोगों को जागरूक करना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जोशीमठ में 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहां पे लगी और मैं वहां कैंपों में भी गया हूं, जहाँ पे कि पुनर्वास कैंप हमने स्थापित किए हैं। हम लगभग 50 से ज्यादा परिवारों को मैं व्यक्तिगत वहां से मिलकर भी आ रहा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है, और उनके लिए जो है पुनर्वास के लिए अभी होटल की व्यवस्था कर दी है, वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी है। ये आज IEC शिविर ऑर्गेनाइज किया गया और स्वास्थ्य संवाद हमारे जितने भी मीडिया हमारे बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल के जो हमारे साथ जो पत्रकार साथीगण हैं, उनके साथ आज संवाद किया गया। और इसमें सर्वप्रथम तो विभाग के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं IEC के क्षेत्र में वो अवगत कराया गया। सभी जनपदों के IEC प्रभारियों ने प्रस्तुतिकरण दिया, उसके बाद मीडिया के साथ सीधा सीधा संवाद हुआ, उसमें कई सारे सुझाव मीडिया से प्राप्त हुए हैं।